गुड मॉर्निंग क्लास बाबू गर्ल्स के पीछे छोड़ के बैठिए हट जाइए जहां तक लिखा है गर्ल्स वहां मत बैठिए चलिए कहां तक बता दिए थे पॉलिटी में तिरपन चौवन बता दिए थे लाइव में सब लोग बाबू गुड मॉर्निंग पीछे वो जहां तक लिखा है वहां कोई लड़का नहीं बैठेगा पीछे चले जाइए खड़े होइए जाके बाकी जो सीढ़ी पे है हॉल नंबर तीन चार पांच में जाएंगे राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होता है बीस बार लड़की सबको समझाए ना लेट से आएगी तो इधर जाएगी तो धीमा काम करता है धीमा आज हम थोड़ा तो सा पहले आ गए थे कैंपस तो ऑफिस में बैठे थोड़ा तो सा काम हम देखें भाई लड़की सब पता है कैसे निकल रही थी ऑफिस से हाँ देहात में मुर्गी पाला जाता है दरबा में दरबा में मुर्गी पाला जाता है आ, आ, और जब कोई किसी मुर्गी पालने वाला जब कभी किसी दूसरे के यहाँ चला जाता है शादी ब्याह में ना तो उसमें तीन दिन का खाना पीना भर देता है और तीन दिन बाद जब खोलता है तो ऐसे भागती है सब ना शटर तुर देगी सभी सब पहली बार हम देखें मतलब लगता है दो में फर्स्ट टाइम ऑफिस में बैठे हैं साल में एक आध बार कभी हम ऑफिस में बैठ गए बैठ गए ये दो हजार इक्कीस का शायद ये फर्स्ट एंड लास्ट था अब मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लास्ट था कभी काम पड़ गया तो हम देखे भाई साहब गजब का है सब कंफ्यूज हो गए कि मतलब तो पढ़ी लिखी है सही सर बैठल थी सर अचानक एक वो लड़की को पता नहीं क्या हुआ उठी सब चल दी तब पता चला कि अभी जाना नहीं है तो सारा स्टाफ सब भड़क गया सब भाई तो आगे से गिरा के शटर गिराया सब मतलब बंद करके रखो ये सब सा। शटर गिराया इस सब नहीं समझ में आता है कि ऊपर यहाँ स्टाफ को पता है कि नहीं है जब स्टाफ बोलेगा कि चलिए बबनी तो वो ऊपर इन्फॉर्म करके आएगा सीढ़ी खाली है या नहीं है ना चल दे समझ आ गया कि नहीं बड़ी खतरनाक है भाई सब <laughs> <laughs> वहां देखना ऑफिस में कोई अमरी कुर्सी मत बैठ जाए <laughs> <laughs> बताना अगर बैठ गई तो यहीं से नीचे लटका देंगे उसको <laughs> <laughs> चलिए अब देखते हैं हम लोग सर लड़कियों में एकता है एकता नहीं बहु देखो भेड़ जब चलता है सर भेड़ तो बीच में अगर गढ़ा कर दोगे, एको गिरा ना सब चल रहे जबकि लड़की सब में हर सबको सीट मिलता है एक्स्ट्रा सीट भी रखा रहता है लेकिन बाप रे बाप मेरा एक स्टाफ का हाथ तोड़ दी थी सर अभी भी वो घरे है प्लस्तर बांध के रोक रहा था कि रुको अभी सीढ़ी खाली नहीं है पिछवा से सब मिलके ढकेल दी सो <laughs> उसका हाथ ये टूट गया है उसकी पत्नी हमसे बोलती है कि बताइए हम कि लड़का तुर ले रहता था तो हम तोड़ देते महिला दिए उसका हाथ चलिए अब ध्यान से समझते हैं आप लोग राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति के बारे में शॉर्टकट ट्रिक क्या था पकानी कोका दुई तो से राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचन क्या होता है निर्वाचन राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है निर्वाचन नियुक्ति का मतलब होता है सिलेक्ट करना <flawnitting> कई चीजें होती हैं ध्यान से समझिएगा एक होता है मनोनयन एक होती है नियुक्ति एक होता है निर्वाचन समझ में आ है तो नियुक्ति निर्वाचन अलग अलग चीजें होती हैं कई चीज में जैसे राज्यसभा में बारह लोगों का क्या होता है मनोन मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको संसद में क्या कर लिया जाता है बुला लिया जाता है सर आपकी क्लास लेट स्टार्ट होती है नहीं बहू दस सात दस से बारह के बीच में एवरेज स्टार्ट हो जाती है अब हम लोग निर्वाचन में आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है राज्यसभा भाग लेती है विधानसभा और इन सबके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं विधान परिषद भाग नहीं लेगा जिस कारण अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सक क्योंकि भारत के हर राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए विधान परिषद जो है उसको मान्यता नहीं दी गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित होने के बावजूद क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है अतः वो भी इस चुनाव में भाग ले लेते हैं समझ में आ गए गया राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग टोटल वोट जो होता है वो ग्यारह लाख होता है कितना होता है ग्यारह लाख अब आपको ही पता है कि लोकसभा और राज्यसभा मिला के साढ़े सात सौ लोग होते हैं और वही लगभग हजार तो विधायक लोग घूमते हैं पूरे भारत में हर राज्य को मिला देंगे तो तो ग्यारह लाख तो किसी कीमत पे नहीं हो पाता है अगर एक आदमी की एक वैल्यू रहे तो दो हज़ार में राष्ट्रपति का फाइनल काम निपट जाएगा लेकिन सारे लोगों का वैल्यूएशन क्या होता है अलग होता है तो हम इस वैल्यूएशन को देख लेते हैं उस आधार पर फिर हम राष्ट्रपति के बारे में आगे समझते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या एम लोग भाग लेते हैं राज्य में जो बैठता है उसे एमएलए तो और दिल्ली के संसद भवन में बैठता है एम तो एमएलए और एम दोनों लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं दोनों लोग वोट देते हैं अब हम देखते हैं एक एम का वोट एक एम का वोट एक वो एमएलए वोट डालने जाएगा ना एक एमएलए तो कितना डालेगा राज्य की जनसंख्या जिस राज्य का है राज्य की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या बटा टोटल एमएलए कुल एम बिहार में कितने गुड़े, एक हजार इस फॉर्मूला पर एक एम की वैल्यू निकलती है एक एम की वैल्यू इस हिसाब पे निकल जाती है अब आप बिहार के एस्पेक्ट में अगर इसको निकालेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या लगभग ग्यारह करोड़ है ग्यारह करोड़ में कई गो जीरो बैठा दे भाई सात गो हाँ ग्यारह करोड़ हो गया टोटल एम बोलिए दो गुड़ा एक हजार सबसे सही जीरो जीरो कट जाता है तीन ये निपटा दीजिए आप कहीं दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक एक लाख दस हजार यही ना हो रहा है जी बटा दो सौ तैतालीस आप कैलकुलेटर निकाल के भाग दीजिए कितना आ रहा है एक बार भाग दे दीजिए कैलकुलेटर निकाल के इतना हम लोग भाग देने थोड़े बैठेंगे भाई बफरिंग कर रहा है सर थोड़ा सा हो सकता है एक आठ सेकंड के लिए कितना है बाबू चार सौ बावन अप्रोक्स यहाँ पे चार सौ बावन यहां बताइए अप्रोक्स में आया होगा दसमलो वगैरह को इग्नोर कर देते तो तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू चार सौ चार सौ बावन एक एम की वैल्यू और टोटल अगर पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल एमएलए दो सौ तैतालीस और एक एमएलए की वैल्यू चार सौ बावन तो टोटल बिहार का बताइए तो एक लाख दस हजार अरे गलती मत बता देना लो एक लाख दस हजार अप्रोक्स में एक लाख दस हजार तो बताइए बिहार से अकेले राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट चल गया एक लाख दस हजार ये कौन दिया है एमएलए विधायक लोग बिहार के कहां के लोग विधायक लोग अभी बताइए बिहार में लालटेन छाप के भी विधायक है तीर छाप के भी विधायक है और कमल के भी विधायक है और छोटी पार्टियां जो अभी नई नई आई है जैसे हम हो गया वी पार्टी हो गई उधर हैदराबाद वाले भाई साहब की पार्टी हो गई समझ आ गया कि नहीं कांग्रेस हो गया इन लोग की भी पार्टी है, तो इन लोग को खुदरा खुदरा दो चार को निपटा दी तो अकेले राष्ट्रपति साहब को बिहार से कितना मिल जाता है एक लाख दस हजार लेकिन अगर ये अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की जनसंख्या कितनी है बाईस करोड़ कितनी है बाईस करोड़ लिख दे यूपी में टोटल विधायक चार सौ तीन यूपी में टोटल विधायक चार सौ तीन किसी किसी का बफरिंग कर रहा होगा बगीचा में बैठा होगा लोग यहां देखिए इंटू एक हजार निपटा दिए यहां पर ये कितना हो गया जी दो लाख बीस हजार बटा चार सौ तीन कितना आ रहा है पांच सौ पैतालीस बताइए यूपी के एक विधायक की वैल्यू पांच सौ पैतालीस अब बिहार के एक विधायक की वैल्यू चार सौ बावन लगभग सौ का अंतर है कि नहीं सौ का अंतर है क्यों किसी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन की वैल्यू तभी बड़ी होगी दो ही शर्त या तो डिनोमिनेटर छोटा हो या तो न्यूमरेटर बड़ा हो इसका न्यूमरेटर डिनोमीटर तो बड़ा है इससे लेकिन उसका न्यूमरेटर बहुत है जैसे देखिए ऊपर आम्स की वैल्यू यहां पे दुगुनी है लेकिन हर की वैल्यू दुगुनी से कम है भिन्न की वैल्यू बढ़ जाएगी अब आप लोग मैथ में पढ़ाए तो मैथ इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है तो सीधे दिख रहा है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा चलिए लड़की जब सुबह सुबह बहुत घुसी आती है सर बैच खत्म होते होते आप लोग को बिलीव हो जाएगा कि हम लोग बकलोल हैं <laughs> कई टोको तो अभी ये बिलीव हो गया है <laughs> कितने लोग को बिलीव हो गया हाथ आग उठाओ <laughs> आगे बढ़े अब आप टोटल बताइए बिहार में एक का वैल्यू इतना टोटल का वैल्यू इतना बिहार में यूपी में बताइए अब यहां ध्यान से एक हो तो सब एक वैल्यू है ऐसे सिंगल का वैल्यू क्या है ज्यादा और उसके बाद यहाँ दो से गुड़ा नहीं होने जा रहा है टोटल यूपी में कितना है चार सौ तीनों का वैल्यू पांच सौ पैतालीस निकालिए हा दो लाख बीस हजार पांच सौ को बीस तो वैसे समझिए दो लाख बीस हजार लगभग में लिख देते हैं लोग कुछ आगे पीछे हो सकता है मोटा मोटी पहला इसको देखिए उसका एक लाख इसका दो लाख जनसंख्या डबल वोटिंग वैल्यू डबल समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया अकेले निपटा दिए यूपी कितना इस तरह से लाइव में आप जिस जिस स्टेट के हैं वहां वहां निकाल लीजिए आपको आप में महाराष्ट्र का है अंडमान अंडमान तो भागी नहीं लेता अंडमान वाले बेचारा अभी भाग नहीं लेता है कौन बोल दिया आदिवासी अंडमान में कुछ जनजातियां हैं समझा गया उनको छोड़ के बाकी सब वहां पे सही है आप ऐसे पूरे एरिया को कभी नहीं बोल सकते हैं। बिहार को क्या पूरे एरिया को कह सकते हैं कि यहां लुटेरे भरे हैं नहीं कुछ कुछ एरिया में है शाम को आठ बजे के बाद लूट लेता है सरहद जाएंगे तो खलिया देगा सब समझ में आ गया? तो सरकार को करना चाहिए ऐसे लोगों को सिविल ड्रेस में पुलिस भेज देना चाहिए खलिया निकाल के पिस्टल धाए जा खलिया दिया तुम्ही को यहां पर गुड नाइट हो जाएगा सत्यम आनंद अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं भैया आप मतलब क्या बताएं हम कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब मतलब क्या होता है तुम्हारे यहां अगर किसी का नया नया घर बना होगा तो उसके पिलर ढलाया होगा उसको पकड़ के मुड़ी लड़ा लू उसमें इसने एकदम कोरोम यहां से को पे हाँ? ना ऐसे हो जाएगा ऐसे 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 हो जाएगा अब ध्यान से इतना देख लिए बाबू सबसे हाँ। नियम है ठीक है <laughs> ये जानबूझ के बनाया गया इसका कोई नियम कानून नहीं है। यही ना कर रहे हैं इकाई दिए हैं इसकी जब ये नहीं दिया गया था तो बहुत ज्यादा हो गया था राष्ट्रपति को वोट करोड़ में आ रहा था नियम के हिसाब से तो ससुराल कुछ नहीं करना चाहिए एक वैल्यू रख देना चाहिए नियम के हिसाब से लेकिन देखिए यहां जानबूझ के संविधान में गलत हो रहा है गलत क्या हो रहा है कि खूब सरकार कहती हम दो हमारे दो यहां देखिए 22 करोड़ जनसंख्या वैल्यू बढ़ गई नहीं वैल्यू बढ़ गई राष्ट्रपति के निर्वाचन में यही लाख पे जीत जाता है तीन लाख अलग फरिया दिया सब कि नहीं ले गया तो कहां से हम दो हमारे दो बेचारे साउथ वाले पढ़े लिखे हैं उन लोग का कौनसी प्लानिंग होता है जब तक मोहल्ला वाला ना टोके की बहुत हो <laughs> <laughs> गई होता है यहाँ पे अजब होता है अब यहां महिलाएं को भी यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया गया उतना वरना कोई शिक्षित महिला खुदे होके मना कर देगी भक्त सोचो तू नहीं हमें देखिए अगर महिला जब तक उस... दवाई खाना महिला के हाथ में अब इंजेक्शन भी अब आ जाता है एक नॉर्मल सा इंजेक्शन ले लीजिए तीन चार साल के लिए वो फर्टिलिटी को रोक देता है तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा अभाव है हमको मतलब क्या ही बताएं जनसंख्या कंट्रोल करने का सबसे सटीक तरीका होता है एजुकेशन ऑफ वुमेन्स महिलाओं को एजुकेशन है आपको जनसंख्या के लिए नहीं चिल्लाना है समझ में आगे गिनी गया तो अब गवर्नमेंट भी है देखिए जनसंख्या को यहां देख रहे हैं डायरेक्ट यूपी को क्या हुआ फायदा हुआ कि नहीं हुआ अगर यूपी की जनसंख्या मान के चलिए यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते और उनकी जनसंख्या कंट्रोल किए रहते और उनकी जनसंख्या हो जाती दस करोड़ अभी कितनी है बाईस करोड़ अप्रोक्स अभी तो जनगणना का पूरा रिपोर्ट नहीं आया इसलिए बाईस करोड़ है अप्रोक्स अगर दस करोड़ होता तो यूपी के लोग अच्छे गिने जाते अभी भी हम नहीं खराब कर रहे हैं लेकिन एक जागरूक नागरिक के हिसाब से 22 करोड़ जनसंख्या मायने रखती है दुनिया में पांचे को देश हैं जिनकी 22 करोड़ जनसंख्या है अकेले <laughs> पदवार संभाला है रूस में लड़का ही नहीं होते इतनी जनसंख्या है और रूस में लड़के नहीं होते तो वहां की जनसंख्या सरकार कहती है कि ज्यादा लड़का हो जाएगा ना छह सात गो तो इनाम मिलता है अजब हाल है यहीं से पुरुष सबको ले जाओ <laughs> <laughs> आगे समझिए ध्यान से मेरी ओर ध्यान दीजिए रूक बफरिंग जिनका कर रहा है एक बार वापस है। सर आपका भी तो चौदह गो है अरे मेरा आगे होने वाला है अभी नहीं है इसमें जोड़ देना चलिए अब ध्यान समझिए अगर उत्तर प्रदेश सुनिए ध्यान से उत्तर प्रदेश के लोग शुरू से जागरूक रहते और आजादी के बाद से ही ये लोग प्लानिंग प्लानिंग पे ध्यान देते तो इनकी जनसंख्या हो जाती मान के चलिए दस करोड़ बेचारों की वोटिंग वैल्यू कितनी नीचे चली जाती इसमें यूपी वालों की कोई गलती नहीं ये सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो फायदा इनडायरेक्टली उन राज्यों को पहुंचा देती हैं जिनके पास जनसंख्या ज्यादा है अब अमूमन आपको बताते हैं एक एमपी जो होता है ना दस लाख की आबादी पर एगो एम रखा जाता है दस लाख की आबादी पर कितना एमपी एक अब बेचारा कर्नाटक फैमिली प्लानिंग करके अपनी जनसंख्या कंट्रोल किया है केरला अपनी जनसंख्या कंट्रोल किया है सबको देखिए साउथ वाले अपनी जनसंख्या कंट्रोल किया तो वहां से एमपी कम आते हैं अब कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहेगा चाहे वो मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो वो यही सोचेगा ना कि भैया हमें दो सौ तैतालीस सीटें चाहिए अब केरल में देख रहा है पंद्रह सीट उधर देख रहा है इतना कम है यूपी में अस्सी यहीं आओ मोदी जी को देखिए गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ लिए का जरूरत था भैया हम मना थोड़ी कर रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं ना आपको जनसंख्या का यूपी बिहार बंगाल अकेले एक सौ बीस को फरिया दिया समझा गया कि नहीं आ गया अकेले पर मोदी जी को यूपी से जितना सीट मिला है ना उतना सीट कांग्रेस को पूरे भारत से नहीं मिला है <laughs> तो हमारे यहां सोचना पड़ेगा इस चीज को कि हम इनडायरेक्टली पॉपुलेशन को प्रमोट कर रहे हैं यह कंट्रोल होना चाहिए एक अपर लिमिट हो जाना चाहिए कि इसके ऊपर वाली जनगणना को हम काउंट नहीं करेंगे खाली जनगणना में काउंट कर देंगे बाकी फैसिलिटीज देने में सीटों के बंटवारा में एक सर्टेन लिमिट करोड़ के ऊपर अगर आपकी जनगणना जाती है आपके राज्य की तो उसको वाले को हम नहीं देंगे उसको व्यक्तिगत रूप से दे देंगे राशन कार्ड पैन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन काउंटिंग के समय हम मैक्सिमम कितना काउंट करेंगे पंद्रह इससे क्या आएगी जनसंख्या में मतलब थोड़ा सा कमी आना चाहिए आप खुद देख लीजिए पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर दोनों राज्यों की जनसंख्या बराबर रहती ना तो यूपी को घाटा लग जाता क्योंकि दोनों का अंश क्या हो जाता है बराबर हर इसका कितना हो जाता है ज्यादा हो जाता किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए तो इस तरह से अब हम लोग को इतना फुर्सत है जो हर राज्य को बैठ बैठ के निकाले आप ऐसे समझिएगा साढ़े पांच लाख होता है भारत के अट्ठाईसो राज्यों को जब मिला देते हैं तो क्योंकि सारे राज्य की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके बाद एक और जनसंख्या वाले दो राज्य बचेगा महाराष्ट्र और बंगाल उसके बाद सबकी जनसंख्या क्या है नॉर्मल है उधर तो जनसंख्या नहीं है पूर्वोत्तर में सिक्किम डर लगता है उधर कोई आदमी नहीं मिलता है आए बिहार में जनसंख्या तो टोटल राज्यों को मिला देंगे तो कितनी होती है साढ़े पांच लाख टोटल विधायकों का हो जाता है साढ़े पांच अलग अब यहीं पे देखिए तीन यही फरियादी बाकी में पूरा देश आगे बढ़ जाए मिटा दे समझाने के लिए बनाए थे ये इतना नहीं पूछेगा बट फॉर्मूला पूछेगा क्या होता आई है आई एक हजार आया कोई दिमाग नहीं लगा सीधे क्या बोलिए फॉर्मूला कोई पैथागोरस का फॉर्मूला थोड़ी है जो सिद्ध करे पॉलिटी का फॉर्मूला एक हो गया एमएलए का वोट अब एमएलए के वोट पर ही आधारित होता है एमपी का वोट किसका वोट एमपी का आपके मटेरियल में हम अभी थोड़ा सा इसको जब पढ़ेंगे तो बता देंगे वहां दोनों जगह पे क्या लिख दिया है एम एल ए लिख दिया हालांकि दूसरा होना चाहिए एमपी का वैल्यू ठीक है मेटेरियल में अभी पहले यहां समझिए पहले तो लिखा एमएलए के वैल्यू उसके नीचे क्या होना चाहिए एक एमपी की वैल्यू एक एम पी की वैल्यू तो देखिए एक एम पी का वोट कितना होता है टोटल एम एल ए का वोट टोटल एमएलए का वोट टोटल एमएलए का वोट कितना आता है साढ़े पांच लाख हर राज्यों का मिला देंगे तो कितना आता है वो साढ़े पांच बट टोटल total... एमपी की संख्या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद, आगे बढ़ जाए किसी कोई दिक्कत नहीं बस वहां कुछ नहीं करना है बाई मिस्टेक वहां क्या हो गया है दो दो जगह एमएलए टाइप हो गया आप समझ सकते हैं थोड़ा सा टाइप राइटर सोचता है अपना दिमाग लगाए सोचता है कि सर से लगता है गड़बड़ हो गया मार देता है वहां पर आगे बढ़ जाए अब ये इतना भी आप देखिए ध्यान से इनकी टोटल एमपी एमएलए की हर राज्यों की एमएलए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा लगभग साढ़े पांच लाख और साढ़े सात सौ एमपी है सर टोटल लोकसभा और राज्यसभा को मिला देंगे तो लगभग कितने साढ़े सात सौ है तो पांच लाख में कितना से भाग देना है साढ़े सात लाख तो एक एमपी की क्या आएगी वैल्यू आएगी कितनी वैल्यू आएगी एक एमपी फिर उस एक एमपी की वैल्यू में फिर आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा साढ़े सात सौ से तो हमने टोटल एमपी की वैल्यू आएगी तो टोटल एमएलए की भी वैल्यू लगभग साढ़े पांच लाख आती है और टोटल एमपी की भी वैल्यू लगभग साढ़े पांच लाख ही आती है तो टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में कितना होता है ग्यारह लाख अब ऐसे निकालिए ना बाबू ये साढ़े पांच लाख आता है साढ़े पांच लाख अब बटा साढ़े सात सौ अप्रोक्स हम लिख देते हैं साढ़े सात सौ समझा गया अप्रोक्स लिखे हैं हालांकि जोड़ के लिखेंगे तो कितना आता है कुछ घटेगा इसमें से अब बताइए साढ़े पांच लाख में साढ़े सात सौ से भाग देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा वो एक एमपी का रहेगा और ऐसा ऐसा कितने एमपी पी है सर साढ़े सात तो फिर उसको करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा साढ़े पांच लाख तो राष्ट्रपति के चुनाव में आठ सात सौ आठ होते हैं जोड़िएगा भाई दो सौ पैंतालीस किसमें होते हैं राज्यसभा में लेकिन बारह को घटा दीजिए तो कितने हो जाते हैं दो सौ तैतीस और लोकसभा में पांच सौ पैंतालीस दो गो एंग्लो इंडियन तो पांच सौ कितना हो जाता तैतालीस हाँ अब जोड़ जोड़ के निकाल लीजिएगा यहाँ पे साढ़े सातें सौ के लगभग आता है जी साढ़े सात सौ के आसपास तो एमपी टोटल एमपी टोटल एमएलए को मिला देंगे तो कितना आएगा ग्यारह लाख केवल एमएलए की बात करेंगे तो साढ़े पांच लाख केवल एमपी की बात करेंगे तो साढ़े पांच दोनों को मर्ज कर देंगे तो कितना ग्यारह लाख अब इस ग्यारह लाख में से साढ़े पांच लाख वोट जिसको मिल गया थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया वो क्या हो गया जीत गया अब यूपी को ही अगर उसने पूरा अच्छा से बजा दिया है यूपी बिहार लेकिन यहाँ पर हर पार्टियों से अच्छा मेल होना चाहिए यू बिहार में मिटा दिए क्या जी यहाँ से बिहार में टोटल कितना था एक लाख दस हजार एक लाख दस हजार में अब राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है लालू जी के आवास पे चले जाएंगे एकदम लालू जी एकदम बढ़िया है एक बढ़िया साड़ी राबड़ी जी के लिए लेकर चल जाएंगे हो गया अगर लालू जी खुश तो अपने सारे विधायक को कहेंगे इन्हीं को वोट दो फिर नीतीश कुमार के पास चलिए एक नंबर काम किए अब शराब बन करके वो भी खुश वो भी अपने सारे विधायक को कहेंगे इन्हीं को वोट दो बीजेपी वाला भी अगर कह दिया अब पूरा बिहार से आपका सेटिंग अच्छा है निकल गए कि नहीं निकल गए एक लाख वोट सीधे बिहार से उसके बाद यूपी दोगों को निपटा दीजिए काम खत्म आधा तो यही पर देता है जनसंख्या बहुत ज्यादा है रियलिटी में अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार उत्तर भारत जो है ना उत्तर भारत भारत पर बैलेंस बिगड़ रहा है दक्षिण भारत में आप नहीं देखेंगे कि कहीं फालतू की लड़ाइयां हो रही हैं जाति धर्म मजहब के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर ऐसा नहीं होता है वहां पर वहां सब मिलजुल के रहता है सब समझ में आ गई नहीं आएगा यहाँ पे तो तीन ज्यादा ही हो जाता है खलिया ज्यादा है सब खाली आदमी को यही सब में काम रहता है जहां पे नेतागिरी में बहुत है मतलब समझ जाइए कि वहां पे आदमी खाली बैठा है हम लोग को कोई नेतागिरी से मतलब रहता है विधायक जी सड़क बनाएंगे तो बनाएंगे ना तो अपन खुदे बनवा लेगा आदमी उन चीज का दिक्कत है नाली बनाना बनाओ में तो बनवा देगा आदमी पर कि नहीं तो जितनी ज्यादा अशिक्षितता गरीबी दरिद्रता नेता लोग के लिए उतना अच्छा है नेता गांव में उतरेगा फॉर्चूनर से मालिक बेटी के ब्याह लो पांच दे देगा दे हो गया निकल पांच सौ में दुल्हा के मुंह दिखाई नहीं जाएगा दुल्ह को दिया जाता है दुल्हन को दिया जाता है दूल्हा को, को नहीं दिया जाता टोटल वोट समझ में आ गया राष्ट्रपति की सर वीआईपी पार्टी क्या है भाई बिहार की एक पार्टी है वीआईपी पार्टी वो मतलब मुकेश सहनी जी की है वहां पर अब वो लोग महादलित के उत्थान की बात करते हैं बढ़िया है भैया बात मत कीजिए कामों करिए मौका भी मिला है बात तो सब लोग कहते हैं हम पार्टी भी है बहुत सारी पार्टियां हैं तो ये जो बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं उनके उठाने की बात करती है तो कितना स्तर तक लेवल उठाया जाता है ये तो पांच साल छह साल बाद ही पता चलता है लेकिन जरूरी है किसी भी समाज को ना एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सबसे ज़्यादा जरूरी एजुकेशन का होता है अगर आप मजदूर है ना अगर मजदूर मजदूरी करते हैं तो आपको रिजल्ट शाम को पता चल जाएगा शाम को पैसा मिल जाएगा नौकरी करेंगे एक महीना बाद ही पता चल जाएगा सैलरी आ जाएगा बिजनेस करेंगे एक साल बाद मिल जाएगा लेकिन शिक्षा का रिजल्ट सौ साल बाद मिलता है आज आप जिस समाज को पढ़ा रहे हैं ना सौ साल बाद वो समाज आगे बढ़ेगा बहुत धीमा जाता है लेकिन सौ साल बाद फिर सोना का चिड़िया हो जाएगा थोड़ा सा धीमा दिखाता है कहा भी जाता है धीमे आज पे खाना बहुत अच्छा बनता है आप ही बताइए ना आप कितने साल से पढ़ रहे हैं लगभग पंद्रह साल से पढ़ रहे हैं ए बी सी डी एबीसी लेके यहाँ तक में अभी तक कोई रिजल्ट हुआ है नहीं लेकिन एक आध साल और वेट है बहुत से बहुत उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा आपकी पढ़ाई कहाँ से सींचते आ रहे थे माता पिता लगभग पंद्रह बीस साल से रिजल्ट कितना देर में मिला है और इस दौरान कुछ नहीं दिया है आप लोग उल्टा फोन पे बतिया है लोग ये हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं अरे यार राजनीतिक पार्टियों का नाम मत लिया करो ये टिकेट्स के हिसाब से नाम नहीं लेना चाहिए आप जब मेंस लिखने जाइएगा तो नाम नहीं लीजिएगा पार्टियों का जब तक जरूरत ना हो जैसे कहे केंद्र में कौन केंद्र सरकार की बात करना है तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं लिखिएगा चाहे मनमोहन सिंह वर्तमान प्रधानमंत्री हो गया और पता है कौन है मनमोहन सिंह के बारे में बोलना भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गया अब अटल बिहारी वाजपेयी के आराम से नाम लीजिए चल गए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बचल है उन लोग का नाम नहीं ले रहे अब देखिए राष्ट्रपति के इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल लगभग कितने वोट हो जाते हैं ग्यारह लाख राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि चलिए अब ध्यान से समझते हैं सर साढ़े पांच लाख कैसे हो गया हर राज्य का निकाल निकाल के आप जोड़ लीजिएगा बाबू हम उस तरह से एक एक करके खाली तो नहीं बैठे जो बाबा पूरा बताते हैं जमानत राशि क्या होती है समझिए ध्यान से वोट में कभी भी भीड़ नहीं लगना चाहिए अगर ज्यादा भीड़ लग जाएगा वोट में चुनाव में तो चुनाव कराने में दिक्कत हो जाएगा स्पेशली राष्ट्रपति के चुनाव में सपोज कीजिए कि, कि राष्ट्रपति के चुनाव में चालीस गो खड़ा हो गया सब तो जो वोट डालने जाएगा कई बो को डालना पड़ेगा चालीस आज चढ़ जाएगा वोट मार सोच रहा है एक करो मार समझा गया एक, एक गांव था उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था मुखिया का तो एक गांव में गो उम्मीदवार था सब <laughs> ऐसा न्यूज में आया था छत्तीस की चालीस था सर दो भी अब मशीन रखना पड़ा था एगो में अठारह गो हटता है सो अठारह की चौदह अटता है सर छत्तीसगो उठ गया था सर क्या जीतेगा हारेगा तो चुनाव आयोग कहता है कि देखिए आप अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो आपको कम से कम एक बटा छ वोट पाना ही पाना है एक बटा छः वोट कम से कम पाना है मतलब मान के चलिए कि कोई ऐसा गांव है जहां पर छह हजार की जनसंख्या है अमूमन एक पंचायती क्षेत्र में इतना ही होता है 6000 की जनसंख्या तो वहां हर मुखिया को कम से कम कितना पाना है एक बटा छ यानी कम से कम कितना एक हजार एक हजार को कहते हैं इसी में आपकी इज्जत बची रही अगर एक हजार से कम पाए नौ सौ निन्यानवे पा गए तो आपको चुनाव से पहले एगो सिक्योरिटी मनी जमा कराता है क्या जमा करता है सिक्योरिटी मनी राष्ट्रपति के लिए वह सिक्योरिटी मटी पंद्रह हजार रुपया ध्यान समझिए नेताओं के लिए पंद्रह कोई वैल्यू नहीं रखता मुखिया के लिए तो पंद्रह कोई वैल्यू नहीं रखता राष्ट्रपति की बात कर रहा है बताइए वार्डो के लिए नहीं होता है पंद्रह हजार रुपया तो समझिए जमानत राशि बड़ी नहीं होती है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा धब्बा यही होता है अगर आप चुनाव में खड़े हैं और आपको एक बटा छह वोट नहीं मिल पाया तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाता है और यह बेज्जती का प्रतीक है कि आपका जमानत जब्त हो गया वो पैसा बड़ा नहीं है वो बेज्जती होती है पगड़ी महंगी नहीं होती है यार चप्पल से सस्ता मिलता है गमछा आप बढ़िया गमछा लीजिएगा पांच सौ में मिल जाएगा बढ़िया चप्पल नॉर्मल सौ डेढ़ सौ का गमछा मिलता है लेकिन कहां पहना जाता है सर पे पगड़ी लगाया जाता है और चप्पल जूता कितनो महंगा रहे ससुरा पैरे में रखा जाए तो वैल्यू देखिए पैसे को मत देखिए जमानत जब्त हो जाना राजनीति के क्षेत्र का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है अभी लालू यादव जी जेल से छूटे थे मतलब जमानत तो मीडिया वाला पूजा ये, ये चरण दास जो है <laughs> कांग्रेस के तुझको दास थे। <laughs> तो भक्त दास उन्होंने कहा कि आप तारापुर एक और कोई कुशेश्वर स्थान में दो जगह पर बाई इलेक्शन हो रहे थे मतलब मान के चले बीच में कोई विधायक मर जाता है ना तो उसमें क्या होता है चुनाव बीच में करा जाता उप तो इन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को सीट क्यों नहीं दी तो कह रहे कांग्रेस को कोई पहचानता है जमानत जब्त हो जाएगा तो जिनको पता था वो समझ जमानत जब्त हुआ नहीं। हो गया जमान जब्त दोनों से तो जमानत जब्त होने का मतलब समझ में आप लोग का भी मकान मालिक जमानत रखता है रखता है कि नहीं सिक्योरिटी मनी और अगर उसके लॉज में आप उडंडई करके गए ना तो जब्त कर लेगा समझा गया खोल ले जाता है लड़कों का चरा होता है एक दो महीना का किराया बाकी कर देगा कह गया बहुत दिक्कत है और धीरे धीरे सामान खलियाते रहेगा समझा गया बिछौना छोड़ के चल जाएगा आगे <laughs> 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 बढ़े सर जमानत बहुतों का जब्त हो जाता है भाई अगर एक बटा छह वोट नहीं मिला तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी जब्त जमानत जब्त होना कोई आपको आर्थिक क्षति ज्यादा नहीं पहुंचाता है लेकिन ये क्या है अपने आप में एक बेजती है सोचिए मान सम्मान कम हो जाता है क्या हो गया जमानत जब्त हो गया किसी कोई दिक्कत नहीं है तो राजनीति बड़ा उठपटांग चीज होता बोले बहू नहीं खड़ा हो जाएगा जमानत जब्त होगा तो खड़ा आप एक बार एग्जाम में फेल होंगे तो अगली बार नहीं देंगे कहीं नहीं दे सकते ऐसा तो थोड़ी है कि आगे बढ़ जाओ बाबू आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र आई हैव सम डाउट रिगार्डिंग टू क्लास भाई इसमें डाउट की बात कौन चाहिए रिगार्डिंग टू क्लास धीरे धीरे आप यहां ठोकर खाइए एप्लीकेशन पे दो चार बार सही हो जाएगा <laughs> चलिए अब ध्यान से समझते हैं जमानत राशि किसी को कोई दिक्कत नहीं है जमानत में जमानत राशि कितने हजार होता है पंद्रह हजार होता है कितना वोट चाहिए जमानत बचाने के लिए एक बटा छे हर चुनाव में लागू होता है आप में, में भी लिखा हुआ है। जमानत तो राशि कितने एक बटा जमानत जब्त तो होना अपमान की क्या दर्शाता है? दर है।, दो -दो है आप भी एग्जाम देंगे ना तो आप देखेंगे दो तरह का कट ऑफ होता है एक होता है सौ नंबर का एग्जाम है आप साठ नंबर ला दिए सत्तर नंबर ला दिए आप किसी किसी के एग्जाम में सेक्समल कट ऑफ देता है आप अंग्रेजी के सेक्शन में भी कट ऑफ से ऊपर ये बैंकिंग के सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है कई लड़का बेचारा कट ऑफ से बहुत आगे रहता है और अंग्रेजी में तीन नंबर है लोग बिहार वालों को तो अंग्रेजी में दिक्कत हो जाता है यूपीएसआई में भी है सेक्शनल कट ऑफ है तो सेक्शनल अलग अलग एग्जाम में है तो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है तो राष्ट्रपति के लिए दो गो कट ऑफ है पहला उसको क्या बचाना है अपनी जमानत राशि क्या बचाना है जमानत राशि दूसरा उसे न्यूनतम वोट पाना है न्यूनतम कोटा न्यूनतम कोटा ये कम से कम कितना पाना है तो कुल प्रत्याशी कितने लोग उठे हैं उन्हें क्या कहते हैं कुल प्रत्याशी मान के चलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग उठे हैं तो सॉरी कुल वोट कुल प्रत्याशी तो नीचे जाएंगे टोटल तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट आता है ग्यारह लाख लेकिन ग्यारह लाख तो हम मैक्सिमम ना बताए हैं बाबू कोई जरूरी थोड़ी कि सब आदमी वोट डालने जाता ही है मैक्सिमम होता है ग्यारह लाख पता चला को विधायक का बेटी का बिया है कोनो का किडनी का ऑपरेशन है बीमारों पड़ता है सब बहुत ही सब समझ में आ गया कि नहीं खाना पीना खाने जाइएगा ना किसी नेता मंत्री के पास साग रोटी खाएगा बीमारिये पकड़ल है कई गो शुगर है उम्र बढ़ने के साथ साथ पचास गो हो जाता तो कोई जरूरी थोड़ी है अब रामविलास पासवान जी की मरने की उम्र थी उनसे बड़ा बड़ा नेता भी बैठल है लालकृष्ण आडवाणी उनसे बहुत सीनियर है मनमोहन सिंह बहुत सीनियर उनका मरने का उम्र था अचानक चलेगा हाजीपुर के लेकिन बहुत काम किए थे तो कुल वोट अब कितना वोट पड़ा है हो सकता है कि ग्यारह लाख भी हो सके इसलिए आप अचानक ग्यारह लाख ,00 नहीं मार सकते ये चुनाव आयोग बताएगा कि टोटल कितना वोट पड़ा है वोट, कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी कुल प्रत्याशी प्लस में वन कौन हो गया जी इसको जा जाओ उसका तबीयत सही लग ही नहीं रहा दूर से चले जाओगे कि नहीं बाबू देख लेना भाई सीढ़ी पे गिरना मत जाने लायक स्थिति रहे तभी क्या कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी प्लस वन, प्लस वन. आ उसके बाद आपका ओवरऑल में, में प्लस वन ये आपको इतना वोट पाना रहता है आप में इसी को क्या कहते हैं राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा क्या कहेंगे न्यूनतम कोटा जैसे देखिए ये हर राष्ट्रपति को प्राप्त करना ये किसी काम का नहीं होता है एक मिनिमम वोट पाना पड़ता टोटल कितना वोट जाता है बाबू ग्यारह लाख आपको क्या लगता है किसी भी चुनाव में हंड्रेड परसेंट वोट डाला जाता है दो चार गो एबसेंटी मारिए देता है आठ लाख कर रहा है तो कितना, कितना, आ गया? आट लाक। आट लाक कितना आ गया दस लाख ग्यारह लाख में से दस लाख आ गया टोटल प्रत्याशी मान के चलिए कि उठा था वहां पर चार गो तीन गो उठा था अच्छा से कट जाए टोटल कितना उठा था तीन क्योंकि कल एग्जाम में हम आपको कल जब एग्जाम्पल दिए थे तो तीन एगो उठाए थे जिसमें ससुरा जीत गया था आ, कुल cool प्रत्याशी कितने उठे थे तीन एगो ये आ, प्लस में वन तो कम से कम हर प्रत्याशी को इतना वोट चाहिए होगा तो चार से भाग देंगे लगभग ढाई लाख आएगा ढाई लाख एक समझ रहे सेक्शनल कट ऑफ कर दिया कि नहीं ये जमानत से तो बहुत ऊपर है जमानत से ऊपर है कि नहीं है टोटल बताइए तो कितना आएगा ढाई लाख लगभग कितना आ रहा है ढाई लाख जबकि अगर दस लाख टोटल वोट गया है कितना लाख दस लाख तो दस लाख वोट का अगर आप जमानत देखेंगे एक बटा छ तो लगभग कितना आ जाएगा सवा लाख के आसपास आएगा अरे वन पॉइंट समथिंग में बढ़ जाएगा ये जाएगा लगभग वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट तो जमानत तो बच गया आपका कितना पे 1.8 लाख पे लगभग दो लाख वोट मिल गया तो आपका क्या बच गया जमानत मैंने बेज्जती नहीं होंगे आप समझ में गया लेकिन आपकी वोट की गिनती तभी होगी जब आप न्यूनतम कोटा को क्रॉस करें तब समझ में आ गया तो राष्ट्रपति में दो को झमेला दिख रहे हैं इज्जत बचाने के लिए जमानत ये तो सबको इज्जत बचाना है और आपके वोट की गिनती होगी कि आप एकल संक्रमणीय में फेंकाएंगे ये डिपेंड कौन करता है कोटा अगर आप कोटा के ऊपर हैं, तब तो गिनाएंगे प्रथम द्वितीय चरण में अगर रह गए कोटा के नीचे तो आपका वोट छीट दिया जाएगा कहाँ पे एकल संक्रमणीय बताए थे एकल संक्रमणी किसी को कोई दिक्कत है तो राष्ट्रपति के कोटा से क्वेश्चन नहीं पूछता है अभी तक तो पूछा नहीं यहाँ पे लेकिन एक एग्जाम में इस फॉर्मूला पूछ दिया था राष्ट्रपति की कोटा में दिक्कत क्या है कुल वोट डाला गया वोट टोटल मतलब वोट होता कितना है इससे मतलब नहीं है टोटल वोटिंग ढाला कितना गया टोटल वोट बटा टोटल उम्मीदवार प्लस वन प्लस वन एगो नीचे प्लस वन एक ओवरऑल में प्लस वन ये क्या हो गया राष्ट्रपति का कोटा न्यूनतम कोटा इसकी चर्चा किस आर्टिकल में पचपन में किस में पचपन में पकानी को का दुयो दशम पकानी को का दुयो दशम राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका नियुक्ति या है को से? कोटा कोसे क्या हो गया कोटा इक्यावन बावन तिरपन चौवन चौवन तक पढ़ लिए अब पढ़ना है क्या चीज पचपन अच्छा ओ भाई गड़बड़ हो गया जी वेरी गुड चलिए ध्यान दीजिएगा बावन तिरपन चौवन पचपन तक पढ़ लिए क्या पढ़ना है छप छपन में क्या है बाबू कार्यकाल सर जमानत जब्त होने पर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं बिल्कुल लड़ सकते हैं बहुत सारे ऐसे थेथर नेता इस देश में हैं गया कि नहीं। तो जमानत हो जाता है आ, बहुत हो जाता है बहुत जमानत राशि जब्त हो जाती है एक एक गांव में पंचायत में 25 की 26 गो मुखी ग्राम प्रधान के उत्तर प्रदेश में मुखिया नहीं होता ग्राम प्रधान होता है हर गांव का एक एक होता है और बिहार में क्या होता है चार पांच सौ को मिला के, तो के गांव में उस गांव की जनसंख्या लगभग सात साढ़े सात सौ थी अच्छा हजार के आसपास बहुत छोटा नॉर्मल सा गांव था और उस गांव में लगभग बीस से बाईस गो मुखिया उठ गया सब चुनाव सबका जमाना जब्त हो गया <laughs> सबका अरे तनी तनी वोट मारेंगे तो कोनो छो, एक बटा छ नहीं जाएगा कोनो को एक बेटा आठ मिला है कोनों को एक बटा नौ मिला है को एक बेटा दस मिला है सबका सबका जमानत क्या हो गया जब्त और वह मेको जीत गया <laughs> अरे भाई जमानत जब हुआ होगा तो सबका जब हुआ होगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब मान के चलिए उस ज उस जगह पे छह सौ लोग रहते थे तो जमानत कितना होगा सौ कितना होगा सौ सौ से नीचे जो पाया उसका जमानत गया अब मान के चलिए किसी को नब्बे वोट मिला है किसी को छानबे मिला है किसी को पचासी छियासी मिला है किसी को नौ गो मिला है किसी को दस गो मिला है किसी को दो गो मिला है किसी को तीन गो मिला है तो ससुराल ये नब्बे वोट वाला तो छानबे वाला है एक तो जमानत जमानतों जब्त है लेकिन जीतियो हो गया <laughs> समझा गया कि नहीं कहो कबो ऐसा हो जाता है इसी को कहा जाता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान <laughs> जमानत जब्त है तो भी जीत जाता है गया कि नहीं आ गया और कोनो कोनो तो ऐसा तो होता है सब एक बेचारा मुखिया जीतने वाला था वो पर्चा भरा जाता है ना मुखिया से पहले नॉमिनेशन ओ में कोनो गलती कर दिया और लास्ट दिन गया था पर्चा भरने। जैसे कैसे आप लोग कुछ कुछ कर्म आप लोग में भी आप लोग में भी कुछ कुछ क्या होगा कर्म फोर लास्ट दिन फॉर्म भरता होगा उस दिन सर्वर गया हम वफा करके भी तना रह गए तो वफा करना है तो पहले से करो <laughs> आगे बढ़े हाँ अभी आप ही की बात हो रही थी हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक 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 ठीक

सब समाच है हमक एकदम है, जीतने करेंगे आप लोग यहां पे। यहा को लगता है कि मैडम का फोन रे बैल कहीं का। <laughs> हर बार में तू जो <laughs> करेंगे अभी आप ही क्या बात हो रहा तो चुनावे का ना बात हो रहा था मैंने हमारा मैडम चुनाव में उठा ले। सब बकलोले रहता है चलिए वो बहुत सही टाइम पे उनका कॉल आया अभी समझा रहे थे मुखिया का अब फोन आ गया उनका मुखिया का चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप बताइए राष्ट्र जैसे मुखिया जीत गया जमाना जब्त कराने के बाद भी क्या प्रधान राष्ट्रपति जमाना जब्त कराने के बाद भी जीत जाएगा उससे तो जमाना जब्त सबका हो गया ना तब एक झमेला है कोटा हेलना पड़ेगा न्यूनतम कोटा पार करना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति को जीत के साथ साथ बड़ी जीत दिखानी होती है इसीलिए तो एक कल संक्रमण यह लाया जाता है जीत के साथ साथ बड़ी जीत लाने आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत टकला कोई दिक्कत नहीं तो न्यूनतम कोटा समझ में आ गया यार तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो लोग क्या क्या पूछता है शादी हुआ कि नहीं क्या मतलब है यार तुमको तुमको अच्छा ही बता, तुम हमको कभी भी उदास देखे हो लड़कियों की पहचान होती है सिंदूर शादी हुआ कि नहीं लड़कों की पहचान होती है टेंशन इससे पगलाई दाल ले दाल घटा ले जो जहां उसको यहाँ कैंपस का टीचर क्लास लिया बाकी जिनकी शादी हो गई है आधा घंटा के अंदर अंदर उनको कैंपस से निकलना पड़ता है ना तो चार गो फोन आ जाएगा और कल हमको काम करने में लेट हो गया तो हम यही रह गए <laughs> वहाँ पे यही रह गए कैंपस में थोड़ा सा पीड़ियब बनाना था ज्यादा उस समय तो ये सब तुम लोग क्या करेगा जान के अभी किसी भी लोगों को अगर लड़का का पता करना है तो टेंशन फ्री उसको देख लीजिए वहां पे कोई भी आग, एक और पहचान है अगर शादीशुदा आदमी कहता है ना कोई काम बोलिए उसको ये काम करना है तो कहेगा सोच के बताएंगे तो सोचना नहीं गया है परमिशन लेने गया है कि <laughs> नहीं आ गया चलो अब देखे आगे देखते हैं जमानत राशि अब राष्ट्रपति का क्या देखते हैं कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है छप्पन में छप्पन में टेन्योर है राष्ट्रपति का कितना टर्म होता है पांच साल राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है पांच साल समझ में आ गया कि नहीं है? हर राष्ट्रपति कितने साल के लिए आता है पांच साल के लिए लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वह राष्ट्रपति अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा ही कर ले ऐसे बहुत से राष्ट्रपति हैं जैसे ये फकरुद्दीन अली अहमद पांच साल से पहले ही मृत्यु हो गई इनका जाकिर हुसैन इनकी भी मतलब कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई तो जब कभी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो पाँच साल का होता है किसी कारणवश अगर पांच साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो टम्प्रोरी छह महीना के लिए किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है और छह महीना के अंदर अंदर क्या कराना पड़ता है चुनाव और जो नया राष्ट्रपति आता है वो पूरे पांच साल के लिए आता है न कि उनका जूठा खाना खाने के लिए समझना कि नहीं आ गया फिर से कितना लेगा पांच साल फिर से पांच साल कि उनका बचल का खि जाएंगे उनको लीजिए देर साल दो साल बचल था बैठ जाइए आप नहीं क्योंकि वो बहुत सम्मानित पद है बहुत ही सम्मानित पद है आगे बढ़ जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है पांच राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल से पहले अगर पगला गया मर गया त्याग पत्र देके चल गया भाग गया कहीं <laughs> तो नया राष्ट्रपति जो है कितने साल के लिए आएगा हाँ साल के लिए आता है अब आर्टिकल संख्या कौन सा होगा संतावन आर्टिकल संतावन एक ही राष्ट्रपति क्या हो सकता है दोबारा निर्वाचित तो हो सकता है दोबारा क्या हो सकता है निर्वाचित थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है निर्वाचित सही होगा। एक ही राष्ट्रपति दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता दोबारा हो सकता है ऐसा बहुत बार भारत में नहीं देखने को मिला है एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो दो बार निर्वाचित दो बार निर्वाचन बाकी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला है आप देखिए रामनाथ कोविंद जी को अगर बीजेपी उठाती है तो ठीक है नहीं तो किसी और को लाएगी यहाँ पर अपना अपना जिनका पसंद होता है पार्टी जिसको खड़ा करे अटल बिहारी वाजपेयी ने किन नॉमिनेट किया था अबुल अब्दुल कलाम को और उसके बाद से प्रणब मुखर्जी प्रतिभा पाटिल ये लोग अपना प्रतिभा पाटिल फिर प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद जी आगे कौन आएगा उसका कोई ठीक नहीं अगर मोदी जी का हर राज्यों में अच्छा सब पहुंच बहुमत इनका केंद्र में हाई है राज्य में भी हाई है अगर वो चाहेंगे तो इन्हीं को नॉमिनेट कर सकते हैं समझ में कि नहीं? कंगना रनौत को <laughs> <laughs> अरे नहीं यार, मोद, मोदी जी गलती थोड़े करते हैं ई देर कूदते रहती है वो तो खुदे माथा पीटते होंगे कि नहीं तू कहां से हमरो बदनाम करने के लिए चलाई ये ज्यादा वैल्यू देते हैं चलिए आगे एक ही व्यक्ति का एक ही राष्ट्रपति का जब पांच साल का कार्यकाल खत्म हो जाए तो कैसे मुखिया जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो दोबारा वही चुनाव में खड़ा हो जाते हैं तो दोबारा ये फिर खड़ा हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकते तिबारा चाहे तो तिबारा हो सकते प्रधानमंत्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है भारत में टेन्योर फिक्स नहीं है जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में एक तो, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल चारे साल का होता है कितने साल का होता है चार साल का और दूसरा कि उस, उस कितने बार उठ सकते हैं दो बार कितनी बार उठ सकते हैं दो बार समझा क्या दो बार से ज्यादा नहीं उठ सकते ओबामा दो बार उनसे पहले क्लिंटन दो बार तो ये दो ही बार उठ सकते हैं वहां पे तो वो लोग मेच्योर डेमोक्रेसी हैं हम लोग अभी अनमेच्योर डेमोक्रेसी है सौ दो कम से कम ढाई सौ साल लगेगा हम लोग को मेच्योर डेमोक्रेसी बनने में अभी हम लोग केवल गांव के लेवल पे ही क्या बन चुके हैं डेमोक्रेसी बन चुके हैं आज भी हम लोग के यहाँ मेच्योरिटी डेमोक्रेसी में नहीं है तो एक ही राष्ट्रपति दोबारा भी हो सकता है अब वोट पे डिपेंड होता है राजेंद्र प्रसाद दोबारा नियुक्त हुए नियुक्त नहीं निर्वाचित हुए थे दोबारा निर्वाचित हुए थे अब बात करते हैं किस चीज की यो से योग्यता योग्यता किस में आएगा अंठावन किस में आएगा अंठावन तो सबके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि नहीं होती बहु तो राष्ट्रपति के लिए भी योग्यता है आप फॉर्म भरने जाइए ग्रुप डी के लिए अलग योग्यता है चपरासी के लिए अलग योग्यता है यूपीएससी के लिए अलग सब एग्जाम के लिए अलग अलग योग्यता होती है तो उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए भी क्या है योग्यता होती है राष्ट्रपति के लिए है कि भैया आप भारत के क्या होने चाहिए नागरिक अंठावन में किसकी चर्चा है योग्यता की पहले यहाँ समझो लो पीडीएफ हुए देखते रहता है सब थोड़े होगा पहला क्या होना चाहिए भारत का नागरिक भारत का नागरिक सोनिया गांधी भारत की नागरिक है कि नहीं है हाँ जी इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे भारत की वो नागरिक है इटली में जन्म हुआ था इटली में राजीव गांधी जो थे वो पायलट उड़ाते थे अब दोनों लोग अपना वहां पे हो गया शादी ब्याह हो गया अब आप लोग का तो भारत में आ गई अब भारत की क्या ले ली नागरिकता ले ली ऑन पेपर भारत की नागरिक है जैसा भी है बट वो इटली में उनका जन्म हुआ था एंटोनियो माइनो नाम था समझ आ गया कि नहीं आ गया अब देखिए दूसरा पहला क्या होता तो भारत का क्या हो नागरिक हो वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो कम से कम उसकी पैंतीस साल क्या हो आयु हो साल कम से कम होना चाहिए ठीक है नया नया को राष्ट्रपति बनाएगा तो इधर उधर सोच रहा हूँ वो में लग जाएगा कोनो उद्घाटन में जाएगा कोनो पसंद आ गए तो कहेगा <laughs> बवाल कर देगा वो <laughs> समझ में आएगी कि नहीं गया पूरा चीचा लेदर करके रख देगा वो और लड़का सबका दिल होटल होता है यहाँ किसी एक के लिए अस्थाई जगह नहीं है <laughs> पूरा कचरा होता है यहाँ तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम कितना होना चाहिए एक सर्टेन एज होता है उस एज के बाद आपको ये सब चीजों से कोई मतलब खत्म ये सब एक सर्टेन एज होता है कैसे आप लोग जब छोटे होंगे टॉफी चॉकलेट बिस्किट एन तेन ये एक एक अभी मन करता है ऐसा थोड़ी है कि भाई एक मेच्योरिटी हो जाता है अब यो मन करता है इलाज कराओ तुम बचपन का चीज छूट जाए तो गड़बड़ बात है पता चला बचपना अलग होता है तो जैसे जैसे आप देखिएगा बड़े होंगे आपकी मेच्योरिटी आएगी बचपन में आपको स्कूल जब छुट्टी होता होगा बड़ी खुशी होती होगी आ हा हा छुट्टी हो लग चल यहाँ से तिहाड़ जेल से निकले अभी धीरे धीरे तो एक मेच्योरिटी का लेवल होता है जब आप अप्रोक्स मान के चलिए ग्रेजुएशन तक में या ग्रेजुएशन से तीन चार साल आगे जब तक आपका एज तेईस तक रहता है ना बाईस तेईस इसमें खूब चक्कर पकड़ करता है हाई वोल्टेज रहता है उसमें चक्कर पकड़ करता है दिल अपना किसको दे कोई ही।, तो ही हम दिल को बेचते हैं खरीदार तो <laughs> बीस बाईस के बाद जब जिम्मेदारी पड़ने लगती है ये सब चीज मतलब इतनी बोझ पड़ जाएगी जिम्मेदारी में इस सब में कोई वैल्यू नहीं निकले आप लड़की सब में भी होता है वो चक्कर पकड़ करती रहती बोलेगी सब नहीं ना देखेगी इसे नहीं देख रहा तो चुपके से इसे देख ले ओ। ठीक है हाँ। न तो अपने सहेली को बोलेगी देख तो देख रहा है हमको देखना लड़की सर दू गो घूमे देगी सर एगो का सहेलिया खूब चक्कर पकड़ करेगी तो लड़कों कम खचरा है एगो अपने साथ वो दोस्त ले जाएगा वो, वो, वो को फंसा लिया एक को फसा लिया एज तो कितना होना चाहिए कम एज पे नहीं होना चाहिए सोचो <laughs> आप ही बताइए मुखिया के लिए इक्कीस साल है अब आप लोग का लगभग आप में से बहुतों का एज लगभग इक्कीस होने वाला होगा अगर मुखिया बन गया तो सोच रहा हूँ तांडो मचा देगा <laughs> नहीं मचाएगा <laughs> आगे देखते हैं नागरिक भारत का क्या होना चाहिए नागरिक कितना आयु होना चाहिए पैंतीस साल आयु होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो किसकी योग्यता रखता हो लोकसभा के सदस्य लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है लोकसभा के सदस्य के लिए भी वही योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 साल का हो अभी बताओ बिना 25 के होकेले ही पैंतीस का हो गया अगर हम आपसे कहें कि ग्रेजुएशन भी किया हो और साथ साथ मैट्रिक भी पास हो अरे भाई साहब <laughs> क्या मतलब बनता है इसका बिना मैट्रिक क्यों ग्रेजुएशन में गया है वहां गया लेकिन यहां पे है कि वो किसकी बराबर योग्यता रखता हो लोकसभा के बराबर क्या रखता हो योग्यता रखता हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसमें आर्टिकल संख्या अंठावन किसमें है अंठावन <laughs> दमा हो गया जी हमको <laughs> अब उसके बाद से हम देखते हैं कितना उनसठ

मतलब संसद में कितने आदमी को चाहिए पचास जो कहें कि ये राष्ट्रपति के लायक हमको ठीक लग रहा है अब अनुमोदक होना चाहिए उस पचास के अलावे अन्य पचास हमको भी ठीक लग रहा है समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो पचास को क्या होना चाहिए अनुमोदक अब पचास को यानी राष्ट्रपति के चुनाव में आप खुद नहीं खड़ा हो सकते बल्कि आपको आपके बदले कितने लोग जाएंगे पचास अब वो निर्वाचन आयोग से कहेंगे कि हम सोच रहे हैं इसको बनाया जाए क्या चीज राष्ट्रपति तो चुनाव आयोग कहेगा आपके सोचने से क्या होता है और भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं आप पचास इधर लाइन में खड़ा रहिए अन्य पचास क्या आप इनके बातों से सहमत है सहमत है राष्ट्रपति लाइक ठीक है यानी सौ गो सांसदों से अगर आपका पहुंच है तब आपका तो आपका फॉर्म भराएगा पर्चा दाखिला नोमिनट जीतने की तो बात बहुत दूर है समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना तो योग्यता राष्ट्रपति को कौन चाहिए पैंतीस आयु भारत का नागरिक सब रिक्शा वाला चल जाएगा सबका <laughs> सब कड़ा खड़ा हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में बड़का पर्चा रहेगा दूसरा खड़ा है मारते रहो एक अनुपातिक पद्धति प्रस्तावक कितने पचास अनुमोदक ये अलग पचास वो अलग पचास कहां से सांसद आपके जिला में एक गो सांसद होता है और बहुत बड़ा जिला जैसे पटना है कानपुर है तो दू गो हो जाता है लखनऊ है तो दू गो हो जाता है अदरवाइज एक जिला में कई गो सांसद कै गो आपके समर्थन में सौ गो क्योंकि पचास गो ले जाएगा प्रस्ताव और पचास गो ले जाएगा अनुमोदन सबके बस का है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेना हा? बहुत टफ चीज होता है राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको केंद्र में जो शासन कर रही है पार्टी उसका समर्थन जरूरी होता है वहां पर तो प्रस्तावक कितने अनुमोदक कितने अनुमोदक पचास अब कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या शर्त होनी चाहिए पहला शर्त पागल, <laughs> पागल नहीं होना चाहिए पागल नहीं होना पागल को राष्ट्रपति बना देंगे रायसीना की पहाड़ी बैठ के राष्ट्रपति। अजब टाइप का पागल टाइप का को नहीं बैठाना चाहिए दूसरा दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया उसे कहते हैं जो अपने औकात से ज्यादा कर्जा ले लें आप दिवालिया मान के चलिए आपने किसी से दस हजार कर्जा लिया आप दिवालिया नहीं हो किसी से एक आध लाख ले लिए नौकरी के बाद वो ऐसे चुका देंगे आप किसी से दो करोड़ ले लिए हो गए दिवालिया तो आप क्या नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं हो जैसे विजय माल्या दिवालिया है अगर उसको राष्ट्रपति बनाएंगे तो राष्ट्रपति के जेब में देश का एक इमरजेंसी फंड होता है आकस्मिक निधि वो अपना साइन करके निकाल लेगा जैसे बैठाएंगे का एक नंबर पूरा खजाना मिल लो हमारा आकाश में निकाल लो रे किसका पैसा बाकी था लेके बैठ जाएगा कुर्सी लगा के लाल किला पे को का बाकी रे <laughs> ले यहाँ पे उड़ा दे और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे बहुत बहुत उसके पास पावर होता है तो दिवालिया नहीं होना चाहिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है पागल नहीं होना चाहिए दिवालिया दिवालिया, दिवालिया किसे कहते हैं नीरव मोदी क्या हो चुका है दिवालिया सहारा का सुब्रत राय दिवालिया हो चुका है तो ना पागल होना चाहिए नहीं दिवालिया होना चाहिए जमानत राशि कितनी जमा करनी होनी चाहिए और अगर एक बटा छ वोट नहीं मिला तो जमानत जब्त होना चाहिए किसी भी सैलरीड पद पर ना होना चाहिए यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी को ही लाभ का पद कहते हैं केवल और केवल सरकारी नौकरी लाभ का पद है प्राइवेट नौकरी लाभ का पद नहीं है प्राइवेट नौकरी लाभ का पद नहीं है कोई भी मंत्री जो है उनको लाख करोड़ों रुपया मिलता है लेकिन वो लाभ का पद नहीं है मंत्री नेता विधायक सांसद एमपी एमएलए ये तो जनता के सेवक हैं खूब सेवा करते हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया जनता के क्या है सेवक खूब सेवा करते हैं किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए लाभ के पद पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए क्या ई बताइए रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति से पहले तो बिहार में राज्यपाल थे कानपुर के हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बिहार में राज्यपाल थे राज्यपाल की सैलरी साढ़े तीन लाख उतनी महंगी सैलरी उठा रहे हैं लेकिन क्या लाभ का पद है जनता के सेवक है लेकिन अगर आप ग्रुप डी में जाके तीस हजार रुपया सैलरी उठाइएगा तो आप क्या हो जाएंगे लाभ दोनों में समझिए ध्यान से अगर आप लाभ के पद हैं तो चुनाव लड़ने से पहले आपको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा लेकिन अगर आप कोई नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं तो चुनाव लड़िए जीत गए तब शपथ लेने से पहले छोड़िए दिख रहे हैं नेतवा साहब अपने लिए कितना अच्छा प्लानिंग करके गया है बराबर जीत गए तो ठीक है नहीं तो यहां देहात में कौन घी गिरे तो दाल में <laughs> देहात में कहावत कहा जाता है जीत गए तब तो फायदा हार गए तो है अब रामनाथ कोविंद जी बिहार के क्या थे राज्यपाल राष्ट्रपति के चुनाव में बैठे हर राज्य में जा, जा के सारे विधायक लोग से से मिले भाई हमरे संपर्क अच्छा रखना हो ना तो कही सीबीआई का छापा पड़ेगा तो हम ही आएंगे काम में समझा गया हाँ हाँ एकदम एकदम वो ऐसे ऐसे बतिया कौन जी कहता है सब यही सब तो ऐसे समझा गया कि नहीं आगे काम पड़ेगा यहाँ ऐसे तो चल जाओगे सोनू सूट की तरह चल जाए यहाँ समझा गया कि नहीं आ गया तो उनको वोट मिल गया जीत गए जब शपथ लेना पड़ा ना त्यागपत दे दिया लेकिन अगर वही सरकारी टीचर रहते बोले कि हमसे ज्यादा तो आप टीचर लोग कमाते हैं गजब हाल भाई होता बड़का गौर में रहते हैं तो अगर मान के चलिए टाइम ओवर हो गया जी चलिए तो आपको इतना समझ में आ गया ना लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए नेता मंत्री विधायक के लाभ का पद नहीं है आगे का क्लास कल देखेंगे